अरिष्टासुर को तो अपने पिछले जन्म के कर्मों का स्मरण नहीं है महादेव, किंतु उसके पास अब भी वो शक्तियां हैं जो उसने अपनी तपस्या से अर्जित की थी। महादेव, अरिष्टासुर तो गौ प्रजाति का है, तो राधा कैसे उसका वध कर सकती है? जाति, प्रजाति और जन्म सब कर्म से संबंधित है। यदि कोई कुकर्म करेगा तो वो कोई भी क्यों ना हो, उसका अंत निश्चित है। देवी, कोई अन्य विचार भी है आपके मन में? हाँ महादेव, मैं तो ये सोचकर व्यथित हूँ कि संपूर्ण वृंदावन राधा को कैसे स्वीकारेगा। यदि राधा ने अरिष्टासुर को हानि पहुंचाई तो उन्हें तो ये ज्ञात ही नहीं कि वो एक असुर है। उनके लिए तो वो गौ प्रजाति का है जो उनके लिए अत्यंत पूजनीय है। यहीं पर श्री कृष्ण की भूमिका आरंभ होगी गौरी, यही होगी राधा और कृष्ण की सबसे बड़ी परीक्षा। पहले ही मेरी और कृष्ण की प्रेम कहानी में कम समस्या थी, तो यह अरिष्टासुर की नई समस्या उत्पन्न हो गई। मैंने तो उसे प्यासा और भूखा, किसी को भी खाना नहीं देने दूंगी मैं उसे। राधा, क्या कर रही हो? दिख नहीं रहा है, मसाले कूट रही हूँ। पक्का? हाँ। बैठिए, मुझे लगा कि कहीं तुम कल्पना कर रही हो कि उसमें अरिष्टासुर है और फिर तुम। तुम्हारा क्रोध मैं समझ सकता हूँ। मैं ये बात भी जानता हूँ कि तुमने जाके अरिष्टासुर को चेतावनी भी दी। क्यों? हाँ, तो क्यों ना दूँ? उसे भी तो ज्ञात होना चाहिए ना कि कृष्ण को कुछ भी करने का प्रयास किया तो राधा ढाल बनकर उसके समक्ष खड़ी हो जाएगी। इतना प्रेम करती हो मुझसे? देखो, मुझे अपनी बातों में उलझाओ मत, बहुत कार्य है मुझे, तुम जाओ यहाँ से। अरे जब इतना प्रेम करती हो तो कह दो। कृष्ण, मैंने कहा ना मुझे कार्य करने दो। अरे जब प्रेम करती हो तो कहो ना। मैं कुछ नहीं कह रही हूँ, तुम जाओ यहाँ से। तुम्हें कहना है कि नहीं? जाओ यहाँ से। ठीक है, तुम्हें नहीं कहना है तो मत कहो। मैं जानता हूँ कौन है ऐसा व्यक्ति जो मुझसे ये सब कहना चाहता है। तुम्हारी प्रिय सखियाँ, मेरी प्रिय अष्ट सखियाँ। रुको, कोई आवश्यकता नहीं है सखियों के पास जाने की। किंतु क्यों? मैं तुमसे इतनी मनुहार कर रहा हूँ और तुम मेरी बात मान नहीं रही हो। कोई है जो बिना मनुहार के भी सज्जे है तो उनके पास मैं भला क्यों ना जाऊं? तनिक सोचो, सभी सखियां कितनी प्रसन्न होगी जब वो मुझसे कहेंगी कि वो मुझसे कितना। चंद्रमा अपनी चंद्रिका से अनंत आकाश को आलोकित करता है, उस अनंत आकाश से अधिक प्रेम है मेरे मन में तुम्हारे लिए कृष्ण। संसार की समस्त नदियों के जल से अधिक प्रवाह तुम्हारे प्रेम का है मेरे मन में। मेरे प्रत्येक श्वास में प्राणवायु नहीं, तुम बसे हो कृष्ण। बस इतना ही प्रेम करती हूँ मैं तुमसे। इतना प्रेम है तो मुझे बताओ, हर क्षण मेरी रक्षा करोगे तुम सबसे? अवश्य, मेरे होते हुए तुम्हें कदापि कोई भी हानि नहीं पहुंचा सकता। और ये सुनिश्चित कैसे करोगे? तुमसे विवाह कर इस घर की बहू बन के फिर तो सदैव तुम्हारे साथ ही रहूंगी और तुम्हारी किसी भी समस्या से तुम्हारी रक्षा कर पाऊंगी। अत्यंत उत्तम विचार है, किंतु ये संभव कैसे होगा? क्योंकि तुम्हारी मैया को तो ये लगता है कि तुम्हारी बुद्धि एक छोटी कन्या जितनी है। और क्या कहा था मैया ने, तुम क्या हो? हाँ, ना समझ हो। तो फिर मेरा विवाह तुम्हारे साथ कैसे होगा? प्रतीत होता है राधा रानी अत्यंत क्रोधित हैं। चली जाओ यहाँ से कृष्ण, अन्यथा यदि मेरा क्रोध बढ़ गया तो मसालों के साथ तुम्हें भी कूट दूंगी। ठीक है, मैं जा रहा हूँ। माँ की सोच का कोई ना कोई समाधान तो निकालना ही पड़ेगा। अ
आपने मुझे बुलाया आर्य? हाँ अस्ति, एक विशेष बात करनी थी तुमसे। कौन सी विशेष बात महाराज? अस्ति, मैं चाहता हूँ कि तुम अब मेरे लिए ये आगे का यज्ञ पूर्ण करो और मेरे लिए तपस्या करो। वो कहते हैं ना कि जिसका काम जिसको धारे, और हाँ मुझे लगता है कि तुम ये कार्य मुझसे अधिक श्रेष्ठा से कर पाओगे। महाराज कैसे? तुम मेरी अर्धांगिनी हो और यज्ञ मैं करूँ या तुम करो, एक ही बात है, मुझे तप करने का सुझाव देने से ही यह अरिष्टासुर का कार्य सफल हो पाया है। तो अस्ति, बैठो और मेरे साथ यज्ञ करो। माँ, क्या हुआ राधा, इतनी उत्तेजित क्यों हो रही हो? यशोदा मैया ने आपसे मेरे विषय में कोई बात की क्या? नहीं तो क्यों? ठीक से स्मरण करो ना माँ, कुछ कहा था क्या यशोदा मैया ने? राधा, मुझे तो ऐसी किसी बात का स्मरण नहीं है, तुम जानना क्या चाहती हो? ओहो माँ, सखियों ने मुझसे कहा कि यशोदा मैया ने आपसे मेरे विवाह के विषय में बात की। अरे हाँ, जीजी ने बोला तो था, मैं तो भूल ही गई। इतनी महत्वपूर्ण बात आप कैसे भूल गई? तो और क्या कहा आपने उनसे? कह दिया कि मेरी राधा अभी बहुत छोटी है, विवाह तो बहुत दूर की बात है। किंतु मैं कहाँ छोटी हूँ? अर्थात तुम चाहती हो विवाह करना? मैंने ऐसा कब कहा, मैं तो केवल ये कह रही हूँ कि मेरी माँ मुझे ना समझ कहे, ये मुझे अच्छा नहीं लगता। यदि आपको और बाबा को लगता है कि मैं बड़ी हो गई हूँ, तो आप दोनों को मेरे विवाह के विषय में विचार करना चाहिए था ना? जिस दिवस मुझे लगेगा कि तुम विवाह के लिए सज्ज हो, उस दिवस मैं स्वयं ही घोषणा करवा दूँ कि मेरी राधा विवाह के योग्य है। यदि किसी के पास कोई अच्छा प्रस्ताव है तो आए, मेरी राधा को ब्याह कर ले जाए। जब भी माँ ये कह देंगी, तब यशोदा मैया स्वयं आकर कृष्ण और मेरे विवाह की बात कर लेंगी माँ से। बस अब कैसे भी करके माँ के मुख से ये मधुर वचन बुलवाने हैं मुझे। वैसे माँ, कैसे पता चलता है कि कोई विवाह के लिए सज्ज हो जाए? तो जब कोई अपना उत्तरदायित्व समझने लगे, अपनी प्रतिबद्धता समझने लगे और उसे अपने जीवन साथी के साथ सदैव निभा सके, तब कह सकते हैं कि वो व्यक्ति विवाह के लिए सज्ज है। समझी? अब तो ऐसा कुछ करना पड़ेगा जिससे मैं सबको ये सिद्ध कर पाऊँ कि मैं सदैव कृष्ण का साथ दूंगी, किंतु ना जाने वो अवसर कब प्राप्त होगा। इधर ये अरिष्टासुर इतनी बड़ी समस्या लेकर आया है। चिंता मत करो राधे, अब अरिष्टासुर ही ऐसा कोई कर्म करेगा जिससे राधा और कृष्ण एक दूसरे के निकट आएंगे।